इधर हाउस पीटिंग एंड किया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी? हाँ, बोले सोफिया, फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी? फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी यही है कि अराउज पिटी एंड फियर अमंग द हाँ बिल्कुल ऑडियंस। बिल्कुल। तो ये क्या वो कह रहा है? वो यही तो कह रहा है, कास्टिंग देम आउट, अराउज करो पिटी एंड फियर को, ठीक है, टू लीड द कैथारसिस। फंक्शन ऑफ पोएट्री बताया ना, ट्रेजेडी क्या है? फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी यही है कि आप इमोशंस रिलीज कर देते हो, ठीक है। तो प्लाटो ये कहता है कि भाई ये जो ट्रेजेडी होती है ये तो सिर्फ एक्साइट करती है पैशंस को, लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि नहीं, ट्रेजेडी जो है वो मींस है टू अराउज पिटी एंड फियर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक की पॉइंट लिख देती हूँ, इसका मतलब है अराउज पिटी एंड फियर। बेटा थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाए तो आपको बात, तो ये मेनली जो क्वेश्चन घूमना है वो पिटी एंड फियर के सिग्निफिकेंस ऑफ पिटी एंड फियर क्या है इन एरिस्टोटल पोएटिक्स, ठीक है, कैसे अराउज होता है पिटी एंड फियर। अब जब आप इस चीज को लेके चलोगे तो आप बताएंगे कि एरिस्टोटल जो है वो टोटली जो बात करता था वो ये बात करता था कि ट्रेजेडी इमोशंस को और पैशंस को जो है ना एक्साइट करती है, ठीक है। जब वो एक्साइट करती है तो उससे इंसान जो है इवल्स में पड़ जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिविटी में चला जाता है, या वो जो है एक लग्जरियस लाइफ होती है, एक रोमांटिक लाइफ होती है, इमेजिनेटिव लाइफ होती है। पोइट्री ऐसे इमोशन जो है इंसान के अंदर पैदा करती है, या ट्रेजिडी ऐसे इमोशंस इंसान के अंदर पैदा करती है जो कि उसको इवल की तरफ लेके जाते हैं। एरिस्टोटल का ये कहना था कि नहीं भाई, ये जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का जो फंक्शन है वो है टू अराउज पिटी एंड फियर, दैट लीड्स टू कैथारसिस। जब रिलीज ऑफ इमोशंस हो जाएगा तो इंसान का कैथारसिस हो जाएगा, उसके लिए उस ऑडियंस को एक पिटी एंड फियर की कैफियत से निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब वो सॉरी गुजरना पड़ेगा, जब वो पिटी एंड फियर की कैफियत से गुजरेगी ऑडियंस, तो उसका कैथारसिस हो जाएगा, सिंपल। अब आप बताएं कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि जी किस तरीके से कैथारसिस जो है, क्योंकि ट्रेजेडी का मेन फंक्शन ही टू राउज पिटी एंड फियर है, दैट लीड्स टू द कैथारसिस। और फिर अब हम वो बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेजेडी अराउज करती है पिटी एंड फियर को। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिटी एंड फियर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस? हाँ जी, अब बताएं जी, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सिग्निफिकेंस है पिटी एंड फियर की? एनी वन क्लॉज? हाँ जी, नहीं, आपसे नहीं आनी है ना इसके अंदर, वही परगेशन और ये वो सारा, वही थ्योरी ऑफ कैथारसिस ही आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पिटी एंड फियर आएगी, ठीक है, कि कैसे पिटी एंड फियर राउज करता है। और फिर हम इसके अंदर सारा ये पिटी कॉन्सेप्ट ऑफ पिटी एंड फियर लिखेंगे कि कैसे पिटी एंड फियर अराउज होता है, और इंसान की जो ट्रेजेडी है उसका जो डाउनफॉल है, डाउनफॉल द ऑफ आवर हीरो इज द डाउनफॉल ऑफ द होल नेशन, जिसे कहना चाहिए, या होल स्टेट, नेशन तो नहीं, स्टेट। डाउनफॉल ऑफ द हीरो इज द, या डाउनफॉल ऑफ द किंग इज द डाउनफॉल ऑफ द होल स्टेट, हम इसको कह सकते हैं। और वो जो ट्रेजेडी होती है फिर वो कैथारसिस की तरफ जाती है। अब यहाँ पे बेटा आप कैथारसिस के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ये कैथारसिस जो है ये आपकी इमोशन से रिलेट करता है, और ये इमोशंस कैसे रिलीज होते हैं, कैसे कास्ट देम आउट होते हैं, कौन सी तीन थियोरीज है? हाँ जी, हाउ टू कास्ट आउट। अब आप बोलेंगे, सबसे पहले बेटा अब आप बताएंगे कैथारसिस होता क्या है। फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी दैट इज कैथारसिस, फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज पिटी एंड फियर, अराउज पिटी एंड फियर, दैट लीड्स टू कैथारसिस। व्हाट इज कैथारसिस? कैथारसिस इज द रिलीज ऑफ इमोशंस, ठीक है। ये रिलीज ऑफ इमोशंस जो है ना बेटा, असल में ये फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी है। व्हाट इज कैथारसिस? ठीक है, ये है जनाब रिलीज ऑफ इमोशंस। ये अब यहाँ पे देखे ना,
दैट इज मेनली कास्टिंग देम आउट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसको आपने फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन के अंदर ये है ना, आपने आंसर में भी यही लिखना है, ठीक हो गया। आप आंसर के अंदर ये की पॉइंट जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आप कहेंगे कि दैट इज बेसिकली रिलीज ऑफ इमोशंस एंड द कास्टिंग आउट ऑफ इमोशंस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है, ये रहा जी आपका की पॉइंट, ठीक है। मैं इसको रेड कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब ये जो कास्टिंग देम आउट, हाउ टू कास्ट देम आउट, व्हाट आर द डिफरेंट थियोरीज, नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट थियोरीज जिससे वो कास्ट आउट होते हैं, ठीक है। कास्ट आउट होने, कास्ट आउट ऑफ इमोशन, हाँ जी। अब बताएं, का प्यूरिफिकेशन, हाँ जी, क्लास प्यूरिफिकेशन, वर्गेशन और क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन क्या, क्लैरिफिकेशन, थ्योरी ऑफ कैथार्सिस। हाँ जी। अब बताएं कैसे कैसे इसमें से होते हैं, हाँ जी बताएं जी। प्यूरिफिकेशन क्या होती है, प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, हाँ जी। एनीवन क्लास प्यूरिफिकेशन के की पॉइंट्स बताइए। हैंड रेस करें, माइक ऑन करें, हाँ जी। प्यूरिफिकेशन क्या होती है क्लास, थ्योरी के मुताबिक ये जो करेक्टर्स हैं उनको दे आर नॉट थिएटर जो है वो इट इज नॉट नॉट लाइक अ हॉस्पिटल। तो उन्होंने इस मेडिकेटिव इफेक्ट को रिजेक्ट किया था और ये कहा था कि जो प्योरिफिकेशन है वो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, यानी कि जब हम किसी ट्रेजिक जब हम कोई ट्रेजिडी पढ़ते हैं तो उसमें जो जो उसकी हीरो का जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है या जो उसके बाद जो जो वहाँ पे जो ट्रेजिडी क्रिएट होती है वो हमें एक ट्रेजिक प्लेयर देती है, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि हम उसको अपनी ट्रेजिडीज के साथ रिलेट करते हैं और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो विलन है उसके साथ बुरा हो रहा है या अपनी एक प्राइड की वजह से जो हीरो का डाउनफॉल हो रहा है या जो उसका एक हमारशिया है, तो हम उन चीजों से बचने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजिकली तौर पर प्योरिफिकेशन होती है, यानी कि ये एक मॉरल कंडीशनिंग के तौर पर हमारा कैथारसिस हो जाता है। एंड व्हाट इज परगेशन, प्रगेशन में मैम क्लींजिंग ऑफ सोल, उसमें ये है कि जैसे जस्ट लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन जो सेम लाइक वर्सेस लाइक का कंसेप्ट है कि जैसे हम जो जब हम उसका एक बॉडी पे एक जस्ट लाइक एक मेडिकेटिव इफेक्ट कहा गया है उस थ्योरी के मुताबिक, कोई लाइफ, और जो कोई एग्जांपल, मैम जैसे एक बीमारी को उसके ही अपने जो जरासीम है उसके उनसे ही किल किया जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम एक ट्रेजेडी जब हम देखते हैं तो उसके 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 जो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं तो फिर हम अपनी जब लाइफ में देखते हैं तो फिर हम उन चीजों से फिर हम अपना अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं, या ये है कि जब हम देखते हैं कि ये हीरो के साथ ये ट्रेजिक एक फेट हुई है तो हमारे अपने अंदर का भी एक जो है प्राइड और जो भी इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारी एक इवल वर्च्यूज होती हैं उनको हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से अच्छा हमारा कैथारसिस होता है। जी, क्लैरिफिकेशन, हाँ क्लैरिफिकेशन जी। क्लास पढ़ के नहीं आया मेरे ख्याल, मैंने आप लोगों को कहा भी था बेटा की पॉइंट्स बनाए और एक दफा पढ़ के आए, हाँ जी। क्लैरिफिकेशन कौन बताएगा क्या है, एरिस्टोटल वांटेड ट्रू एम ऑफ ट्रेजेडी इज टू ब्रिंग अबाउट अ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन, ठीक है, कि इमोशंस को प्यूरिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जिसको हम कैथारसिस ऑफ इमोशंस भी कहते हैं, एरिस्टोटल क्लेम्स दैट वन शुड नॉट सीक एनी प्लेजर फ्रॉम ट्रेजेडी बट द वन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, ठीक है। एक इंसान जो है वो सीक नहीं करता प्लेजर फ्रॉम ट्रेजेडी, लेकिन वो ओनली वो जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। इन अदर वर्ड्स, सिंस फियर एंड पिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी, दीज आर द इमोशंस
आर ट्रेजिडी शुड प्रोड्यूस इन दोज हु रीड और व्यू इट. ठीक है, पिटी एंड फियर जो है असल में ये वो इमोशंस हैं, दीज आर द इमोशंस. ठीक है, इमोशंस कौन कौन से हैं? ठीक है, अराउज, पिटी एंड फियर, ठीक है, यही असल में इमोशंस है जो कि एक ट्रेजेडी को प्रोड्यूस करने होते हैं, ये प्रोड्यूस करने होते हैं इन दोज हु रीड टू व्यू इट. हम जो रीडर्स होते हैं ना, हमारे अंदर ये पैदा किए जाते हैं. दिस प्यूरिफिकेशन और प्रोडक्शन ऑफ फियर एंड पिटी इन ऑडियंस इज नोन बाय ग्रीक वर्ड कथार्सिस, एंड कथार्सिस इज एविडेंस ऑफ सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, राइटर्स ऑफ ट्रेजेडी शुड प्रोड्यूस द प्लेयर विच कम्स फ्रॉम पिटी एंड फियर एंड शुड सो बाय मीन ऑफ इमिटेशन. ये किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है? पिटी एंड फियर इमिटेशन के थ्रू. ठीक है, इस तरीके से इमिटेट किया जाता है हर चीज को कि ऑडियंस के अंदर जो है ना, एक पिटी एंड फियर की कैफियत जो है वो पैदा होती है. मैंने बहुत पहले, मेरे ख्याल है ये एक मूवी आई थी, उस वक्त मैं जरा दीन की तरफ नहीं थी, तो एक मूवी देखी थी मुझे कल ही. मैं पिटी एंड फियर को सोच रही थी, तो मैंने एक मूवी देखी थी, कथार्सिस, ये देवदास मूवी देखी थी. अच्छा, उस मूवी के अंदर ना उन्होंने, अब वो क्या था बेसिकली, स्टोरी कुछ यूं थी कि एक लड़का होता है देवदास, और सामने वो मेरे ख्याल है पारो रहती है, उसकी हमसाई होती है, और उसकी उसके साथ शादी नहीं होती, तो पारो की शादी हो जाती है, तो वो जो देवदास साहब होते हैं वो शराब पीना शुरू करते थे, और एंड में वो पारो के गम में वो बेचारा मर जाता है. जो मोटा मोटा प्लॉट है वो इसका यही है. ठीक है, वैसे तो बड़ा ही बेवकूफ इंसान था और पारो की भी समझ नहीं आई, लेकिन मसला ये था, और मुझे उस वक्त भी बड़े ये ना ऐसे लग रहा था कि ये क्या फजूल किस्म का टॉपिक लेके इन्होंने मूवी बनाई है. तो लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि उसको इस तरीके से कैरिकेचर किया गया, उसको इस तरीके से इमिटेट किया गया कि मुझे, हालांकि उस स्टोरी के अंदर कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा था, मुझे आज तक इस तरह की स्टोरीज कभी भी अपील नहीं की असल में, क्योंकि इनका रियलिटी से वैसे कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन उसको इस तरीके से कैरिकेचर किया गया और इस तरीके से इमिटेट किया गया, इस तरीके से उसके अंदर अराउज किए गए पीटी एंड फियर. आप देखिए ना, पूरी की पूरी मूवी के अंदर अराउज हो रहे हैं पीटी एंड फियर, दैट लीड्स टू द कैथारसिस. तो एंड में वो जब देवदास मरता है, तो मैं भी रो रही थी उस दिन ना. ठीक है, तो मतलब हालांकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कैरिकेचर इस तरीके से किया गया, उस मूवी को बनाया इस तरीके से गया, उसको इफेक्ट्स ऐसे दिए गए, बैकग्राउंड आप उसका देख लें, उसकी हर चीज देख लें, तो मतलब मेरे जैसा बंदा जिसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की इमेजिनेटिव चीजों में या ये रोमांसेस में, तो जो है वो भी बंदा रो पड़े. ठीक है, तो आप उसका सब्जेक्ट देखें. अगर मैंने आपको छोटी सी कहानी चार लफ्जों में बता दी कि जी ये कहानी थी, ठीक है, और एक फजूल किस्म का टॉपिक था, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने उसको इमिटेट कैसे किया, इस तरह से इमिटेट किया कि वी आर बाउंड के, एक तो ऑडियंस की उसने वो कैप्चर कर ली ना कि व्हाट नेक्स्ट भाई, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट. ये जो व्हाट नेक्स्ट और एक तजस्सुस की कैफियत हो रही होती है ना, ये भी अंदर पिटी एंड फियर अराउज कर रही होती है कि अब क्या होगा, अब पता नहीं क्या बनेगा, अब पता नहीं क्या होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पिटी एंड फियर, तो ये क्या है, ये जो प्यूरिफिकेशन या प्रोडक्शन ऑफ फियर एंड पिटी इन ऑडियंस, इसको हम कैथारसिस कहते हैं. ठीक है, अब इस जो अब यहाँ पे, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसमें इसकी अहमियत क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिटी एंड फियर, ठीक है, क्यों होनी चाहिए ये जो, क्योंकि ये इमिटे, सबसे पहली बात तो ये आपने बताना है कि ये इमिटेशन किस तरीके से, ये जो इमिटेशन, इसमें सबसे ज्यादा पिटी एंड फियर के अराउज होने में जो रोल प्ले होता है वो इमिटेशन का होता है. ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी टू अराउज पिटी एंड फियर है, लेकिन ट्रेजेडी किसे कहते हैं, इमिटेशन ऑफ द सीरियस एक्शन. ठीक है, इमिटेशन है वो सीरियस एक्शन का. अब ये सीरियस एक्शन इमिटेट कैसे होते हैं, दो तरीके से होते हैं. नंबर वन, एक तो ह्यूमन सफरिंग का बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, विच इन्वॉल्व बोथ डिस्ट्रक्शन एंड पेन. जैसे अभी मैंने आपको देवदास की एक मिसाल दी, उसके अंदर वो देखे सारी डिस्ट्रक्शन ऑफ पेन, और पेन पे ही थी कहानी. या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स दैट अकर कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ अनदर, आयरोनिकल स्टेट हो जाती है, कॉन्ट्रेरी ऑफ टू एक्सपेक्टेशन हो जाता है सब कुछ.
एंड बिकॉज ऑफ दैट, मतलब सारी सिचुएशन ड्रामेटिक सिचुएशन या ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, आप ड्रामा के स्टार्ट में या मूवी के स्टार्ट में कुछ और सोच रहे होते हो लेकिन उसका एंड कुछ और हो जाता है। तो अब हम क्या कहते हैं, जब हर चीज कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो अचानक से हमारे अंदर पिटी एंड फियर की कैफियत अराउज होती है। नंबर एक, इमिटेशन कैसे अचीव होती है, दो तरीके से अचीव होती है। जब हम ह्यूमन सफरिंग और पेन को जो है वो दिखाते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन होते हैं इवेंट्स की आयरोनिकल या ड्रामेटिक सिचुएशन हो जाती है, यानी कि ऑपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो जाए, एज दे डू इन अ ट्रेजिक प्लॉट दैट इवॉल्व रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन। या तो उसके अंदर रिवर्सल हो जाता है, ऑपोजिट टू द सिचुएशन हो जाता है, या फिर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन कहते हैं रिविलेशन ऑफ ट्रूथ को, पता है? हाँ जी बताएं जी, रिवर्सल और रिकॉग्निशन क्या होता है, बता, आप बता रहे। रिविलेशन ऑफ ट्रूथ हो जाए, ठीक है, इसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं, यानी कि जैसे इडिपस रेक्स के सामने जब सच खुल के सामने आ जाता है तो अब उसकी रिकॉग्निशन हो गई। व्हाट इज रिवर्सल? ऑपोजिट टू द सिचुएशन हो जाए, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो और हो कुछ और जाए। इडिपस रेक्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये क्रियोन ही है जिसने, और टेरिसियस ही है जिन्होंने जो है कत्ल किया है किंग को, लेकिन क्या है कि एंड में जो रिवेलेशन ऑफ ट्रूथ होता है, रिवर्सल क्या होता है कि सारी जो सिचुएशन होती है वो ईडिपस के अगेंस्ट चली जाती है। इससे क्या होता है, इससे भी ऑडियंस के अंदर पिटी एंड फियर पैदा होता है, ठीक है। तो असल में फिर हम थ्रू इमिटेशन हम पोइट्री का जो फंक्शन है उसको हम अचीव कर लेते हैं। इन पोइटिक्स एरिस्टोटल अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ कथार्सिस थ्रू पिटी एंड फियर। अब आगे आपकी बात, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पिटी एंड फियर इन कैथारसिस एंड इन द कंस्ट्रक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ट्रेजेडीज, ही अल्टीमेटली आर्ग्यूज दैट ट्रेजिक प्लॉट इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन। ट्रेजिक प्लॉट्स के अंदर दो चीजें होती हैं जनाब, ठीक है, एक रिवर्सल होती है, दूसरी रिकॉग्निशन होती है, जो कि बेस्ट है प्रोड्यूसिंग फियर ऑफ पिटी एंड फियर एंड पिटी। अब आपका देखिए पास्ट पेपर में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिटी एंड फियर। जब आप आंसर लिखेंगे तो अब ये जैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ ना, आपने वहां पे पिटी एंड फियर को अंडरलाइन कर देना, और जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होगा ना, आपने इन अंडरलाइन वर्ड्स को ना मार्कर के साथ लिख देता है। पिटी एंड फियर की पॉइंट है ना, पिटी एंड फियर जहां पे आया ना उसको बस आपने, और आपने पिटी एंड फियर से बाहर नहीं निकलना बस, ठीक है। जितना आप इस की पॉइंट को रिपीटेटिवली एक्सप्लेन करेंगे आपके उतने ज्यादा नंबर आएंगे। तो ये चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या, अभी जब आप लोग आंसर दे रहे थे ना, आप लोग इररेलेवेंट आंसर दे रहे थे, ये काम नहीं करना। की पॉइंट देखें, उसके पॉइंट्स बनाएं, और फिर अब एरिस्टोटल मेंटेन्स द कैथारसिस इज क्रूशियल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड दैट ट्रेजिक प्लॉट शुड एवोक पिटी एंड फियर स्पेशली एज दीज आर इमोशंस मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रेजिक प्लॉट। मोस्ट ट्रेजेडीज इन्वॉल्व ह्यूमन सफरिंग व्हिच अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज एन एक्शन दैट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रक्शन ऑफ पेन, फॉर एग्जाम्पल डेथ इन फुल व्यू, एक्सट्रीम एग्नी, वाउंडिंग एंड सो ऑन। आप देवदास की भी मिसाल दे दीजिएगा, बल्कि वो अगर आप देते हैं ना करंट किसी मूवी की या ड्रामा की मिसाल देते हैं तो उससे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है जो आपका एग्जामिनर होता है। एक्शंस एज एरिस्टोटल कॉल देम शुड प्रोड्यूस इमोशंस ऑफ फियर एंड पिटी इन ऑडियंस। अ ट्रेजेडी दैट डज नॉट एलिसिट इमोशन फेल टू मीट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी टू इमिटेट अ स्पेसिफिक एक्शन एज क्लोजली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल, विच इन केस इज द ह्यूमन सफरिंग, विच इन दिस केस इज ह्यूमन सफरिंग, ठीक है। इमिटेट किसे करना होता है, ह्यूमन सफरिंग को करना होता है। एरिस्टोटल अल्टीमेटर आर्ग्यूज दैट पीपल फाइंड प्लेजर इन व्यूइंग डिस्ट्रेसिंग इमिटेशन। वो कहता है लोगों को ना शायद प्लेजर फील होता है इन व्यूइंग डिस्ट्रेसिंग इमिटेशन लाइक दोज फाउंड इन ट्रेजेडी, एज लॉन्ग एज सच इमिटेशन आर व्यू फॉर सेफ डिस्टेंस, क्योंकि वो उन्होंने सेफ डिस्टेंस से देखी होती है, यानी कि मूवी है ना, कैथारसिस थ्रू ट्रेजेडी इज नॉट अलाउज द ऑडियंस टू व्यू अ डिस्ट्रेसिंग इवेंट। लेकिन कैथारसिस जो होता है ना वो नहीं अलाउ करता थ्रू ट्रेजेडी
कि आप उसको व्यू करें एज अ व्यू आर डिस्ट्रेसिंग इमेज, इट अलाउज देम टू विकैरियसली एक्सपीरियंस द सेम इमोशंस. वो सेम इमोशंस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं. कैसे? ऑडियंस इतनी इन्वॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ द इमिटेशन. ठीक है, मैंने आपको कहा मुझे उस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, सब देख रहे थे, मैं साथ बैठ गई, हालांकि मैंने उसको कुछ चंक्स में देखा था मूवी को, मुझे उसके अंदर कोई एक रियलिटी या कुछ इस तरह से नजर नहीं आ रहा था. लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से उसको इमिटेट किया जाता है. आप अभी के भी ड्रामास देख लें, आप थोड़ी देर किसी के साथ बैठ जाएं, आप कैप्चर हो जाओगे, ठीक है, और आप देखने पे मजबूर हो जाओगे. क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाएगा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा. ठीक है, वो एक पिटी एंड फियर की कैफियत होती है जिसकी वजह से जो है वो फिर आपके इमोशंस जो है वो मैच कर जाते हैं, सॉरी, जो कैरेक्टर के इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ मैच कर देते हैं. अभी मैंने आपसे पूछा था कि ये प्योरिफिकेशन जो है वो कैसे होती है, सॉरी, परगेशन, व्हाट इज द परगेशन थ्योरी. परगेशन जो है पर्ज से निकला है, ठीक है, पर्ज हो जाना, किसी के अंदर समा जाना. और उसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि मैम ये वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, लाइक एज लाइक. ठीक है, आपका और मेरा दुख साझा होगा ना, हम दोनों एक दूसरे को समझ भी लेंगे, हम दोनों एक दूसरे का कैथारसिस भी कर लेंगे. ठीक है, जो लड़ चुका वो लड़ना सिखाता है, ठीक है, जो लड़ चुका वो आपका कैथारसिस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक बेवा औरत है ना, वो एक बेवा औरत का कैथारसिस कर सकती है. क्यों? दोनों के दुख सांझे हैं. आप देखिए बाजू का चैट रूम में ना, स्टूडेंट को स्टूडेंट की समझ आ रही होती है, वजह दोनों के दुख सांझे हैं, वो दोनों एक दूसरे का ज्यादा बेहतर कैथारसिस कर सकेगा. या फिर ऐसा टीचर और ऐसा स्टूडेंट जिसके लाइफ इवेंट्स एक जैसे होंगे ना, तो हम पास औकात अपनी प्रैक्टिकल लाइफ क्यों आप लोगों को सुनाते हैं, ताकि आप लोगों का कैथारसिस हो जाए. आप लोगों को हम क्यों बताते हैं कि देखो बेटा, हमारी भी जिंदगी में इस तरह से हर्डल्स आए थे और फिर हम आगे चले. उससे क्या होता है, आपके इमोशंस अराउज होते हैं, ठीक है, और फिर आपका कैथारसिस होता है. कैथारसिस किसे कहते हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स को. एक दफा इंसान का कैथारसिस हो जाए, प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स हो जाए, इमोशंस उसके रिलीज हो जाए ना, तो फिर आप उसके दिमाग में जो भी डालेंगे ना वो चल पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से हमारी एकेडमी में कोशिश ज्यादा यही होती है कि हम एक दफा स्टूडेंट का ना कैथारसिस करते हैं. वो स्टूडेंट जब हमारे पास आता है ना, वो पीटी एंड वियर की कंडीशन में ही होता है बेचारा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा. ठीक है, अजीबो गरीब जंग में पड़ा हुआ होता है, मैम बीमार हो गई, मैम ये हो गया, मैम अम्मी बीमार होगी, अबू बीमार हो गए, फलाना हो गया, अब लाइट चली गई, लाइट आ गई. ठीक है, तो अब वो क्या होता है, वो बेचारे को पता ही नहीं चल रहा होता. ठीक है, तो उसमें मेरा जो जाती ख्याल है ना, कि बजाय इसके कि हम स्टूडेंट का मजाक उड़ाएं या कुछ भी करें, ज्यादा बेहतर है आप उसकी पूरी कहानी सुनते हैं. वो एक दफा आपको पूरी कहानी सुना देगा ना, उसका कैथारसिस हो, आप उसको उसके बाद बताएं कि बेटा ये तो हमारे साथ भी हुआ, उसके बाद उसका कैथारसिस हो. यकीन करें, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आते हैं, उनको नहीं लग रहा होता हम पेपर पास कर लेंगे. सिर्फ क्या करती हूँ मैं, सिर्फ उनका कैथारसिस करती हूँ साइकोलॉजिकली ना. कोई बच्चा 5 पेपर पास करके आता है, यहाँ पे जारा बैठी है, जारा उसमें उन स्टूडेंट में से एक है. ऐसे ही हुआ था जारा, मेरे ख्याल है जारा नहीं, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, जारा ऐसे ही हुआ था, 5 पेपर क्लियर हो गए थे फिर. हाँ जी मैम, मैं बस फर्स्ट टाइम पता नहीं कैसे हो गया। आपने बस एक बात मुझे आपकी याद है कि आपने क्लास में ना ये कहा था कि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो पीछे नहीं हटेगा, पेपर से एग्जाम से डरेगा नहीं। तो मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मेरी प्रिपरेशन, बस मैम आपको पता है मेरा प्रॉब्लम है आई साइट का बहुत ज़्यादा, और उसका मसल्स मस्कुलर पेन का। तो मैं ज़्यादा स्क्रीन जो है ना रीडिंग, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम करती है। मैं सिर्फ सुनती हूँ चीज़ें, सर झुका नहीं सकती। तो मैम उसकी वजह से फिर मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं मैं क्या करूँगी एग्जाम्स में। लेकिन वो जब मैं पेपर कर रही थी तो जो आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स आपने दिए थे वो बस मेरे दिमाग में चल रहे थे। वो पते क्यों चल रहे थे? असल में होता ये है, जब स्टूडेंट को लगता है ना मैम ने किया था ऐसे, खास तौर पे हमारे ना एकेडमी में मैंने हमेशा यही देखा, जो मेरिट खवातीन होती हैं वो 5 के 5 पेपर क्लियर कर जाती हैं, ठीक है, और टॉपर्स भी मेरिट खवातीन होती हैं हमारी एकेडमी की, हमेशा मैंने यही देखा. जब रिजल्ट आता है ना, मैं कंपेयर कर रही होती हूँ, अनमेरिट्स के कम मार्क्स आते हैं, मेरिट्स ज्यादा ले जाते हैं.
उनका इस तरीके से कथार्सिस, असल में उनकी और मेरी सिचुएशन तकरीबन एक जैसी है कि जी शादी के बाद पढ़ा, बच्चों के साथ पढ़ा, ये किया वो किया, तो मे बी उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइक एंड लाइक हो गया, दोनों की सिचुएशन एक जैसी हो गई, इसलिए उनका कथार्सिस हो गया, रिलीज ऑफ इमोशंस हो गया, उनकी टेंशन खत्म हो गई, उन्होंने कहा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे वो इमोशंस रिलीज करवाने होते हैं, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास भी जाएं तो वो भी आपके साथ यही करता है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि यहाँ पे वो एरिस्टोटल या फिर ड्रामा के थ्रू आपको, एक अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल स्ट्रॉन्गेस्ट कैथारसिस कम फ्रॉम ट्रेजिक लॉट्स दैट इन्वॉल्व द रिवर्सल। जब रिवर्सल होता है ना, ऑपोजिट टू सिचुएशन होती है, असल में यहाँ पे ज्यादा कैथारसिस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, क्वेश्चन चेंज हो गया ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, अब आप इसमें थियरीज तो नहीं लिखेंगे, आपसे किसी ने थियरीज नहीं पूछी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एरिस्टोटल रीडिफाइन रिवर्सल एज अ चेंज टू अपोजिट इन द एक्शन बीइंग परफॉर्मड एज स्टेटेड, एंड दिस इज वी हैव बीन सेइंग इन अकॉर्डिंग विद प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। जो प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी ना, प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी कैसे अचीव होती है, जब यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड कैथारसिस इज बेस्ट अचीव ड्यूरिंग ट्रेजेडी इन विच इवेंट्स अकर कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज स्टेटेड। ऑपोजिट हो जाए ना इवेंट्स, तो तब ज्यादा बेस्ट अचीव होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ पिटी एंड फियर, कैथारसिस अचीव कैसे होता है और कैथारसिस होता कैसे है, बेटा ये दो सवाल है। क्वेश्चन को समझें, उसके बाद उसका आंसर दें। ठीक है, एज लॉन्ग एज दोज इवेंट्स आर नेसेसरी एंड फिजिबल, एरिस्टोटल गिव्स सोफोक्लीज ईडिपस रेक्स एज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजिक रिवर्सल। इन सोफोक्लीज ट्रेजिक प्लेज, अ मैसेंजर कम्स टू ईडिपस टू फ्री हिम ऑफ फियर दैट ही हैज कमिटेड इंसेस्ट विद हिज मदर, एंड इन डूइंग सो द मैसेंजर प्रोड्यूसेस द ऑपोजिट रिजल्ट। दिस इज दैट इज इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ईडिपस फियर्स एंड द मैसेंजर कन्फर्म्स ईडिपस ट्रू आइडेंटिटी एंड रिवील्स दैट ईडिपस रियली हैज कमिटेड इंसेस्ट एंड पैट्रिसाइड। फॉर एरिस्टोटल कैथारसिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ट्रेजेडीज लाइक ईडिपस रेक्स इन विच फीलिंग ऑफ फियर एंड पिटी अगेन आ गया आर ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल ऑफ प्लॉट। Unforeseen reversal adds to astonishment, which Aristotle maintains is more powerful and complete, which is achieved spontaneously and happens for a reason. In addition to reversal, Aristotle argues that catharsis is best achieved through tragic plot that involves recognition. कैसे अचीव होता है? रिकॉग्निशन से, रिवीलेशन ऑफ ट्रूथ से। एरिस्टोटल डिफाइन रिकॉग्निशन एज चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ठीक है, जब रिविलेशन ऑफ ट्रूथ हो जाए, जब आपका चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज हो जाए, जब आपके सामने हर चीज डिस्क्लोज हो जाए, रिलेशनशिप या एनमिनिटी ऑन द पार्ट ऑफ पीपल मार्क्ड आउट फॉर गुड और बैड फॉर्च्यून। इन अदर वर्ड, रिकॉग्निशन इज अ सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिविलेशन। ठीक है, इन शॉर्ट लिखते हैं भाई, रिविलेशन ऑफ ट्रूथ को कहते हैं, विच फॉर मोस्ट द प्लॉट रिमेन अननोन। Aristotle argues that there is more than one kind of recognition in tragedies. Recognition can occur with respect to inanimate and change object, and it is possible to recognize whether some has or not performed some action. Recognition can also occur on the both sides of tragedy, as it does in Euripides, in Iphigenia, in Taurus, in which both Orestes and Iphigenia recognize they are sublime, albeit at different times. However, Aristotle maintained the type of recognition that involves good or bad fortune is particularly affected in the case of tragedy. Aristotle argues that recognition is most effective when it comes at the same time as it does in Oedipus Rex. In the play, Oedipus recognizes recognition of true identity unfolds simultaneously with the plot reversal, and the messenger arrives with the intention of allying of Oedipus' ancestral sphere. They reveal that Oedipus has murdered his real father and married his mother. The dual surprise of an unexpected reversal and recognition produce strong feeling of pity and fear. Aapka keyword idhar phir aaya, which Aristotle argues that the true object of tragedy. ठीक है, अब जी जनाब, ये जो अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं पिटी एंड फियर। ठीक है, तो ट्रेजेडी इज लाइक इडिपस रेक्स दैट इन्वॉल्व अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून थ्रू रिवर्सल। रिकॉग्निशन ऑफ बोथ आवर वर्ड रेफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट
एज कंपेयर टू सिंपल प्लॉट विच डू नॉट इन्वॉल्व आइदर रिवर्सल और रिकॉग्निशन। कॉम्प्लेक्स प्लॉट के अंदर क्या होता है, रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन होती है, और सिंपल प्लॉट में क्या होता है, रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन नहीं होती। तो एरिस्टोटल कंटेंड्स दैट सच रिवर्सल एंड रिकॉग्निशन मस्ट अराइज फ्रॉम द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट सो दैट दे कम अबाउट अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड बिफोर आउट ऑफ नेसेसिटी और इन अकॉर्डेंस विद प्रोबेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स प्लॉट एरिस्टोटल अल्टीमेटली आर्ग्यूज आर मोस्ट अफेक्टेड इन ब्रिंगिंग अबाउट कैथारसिस थ्रू फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर। वो कहता है कॉम्प्लेक्स प्लॉट के थ्रू फाइनली किसके थ्रू पिटी एंड फियर अराउज होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट के थ्रू विच इज द हॉल मार्क ऑफ द ट्रेजेडी। समझ गए बात को, इस तरीके से आप लोगों ने सवाल को करना है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और कौन सा रह गया हमारा। अच्छा जी सिग्निफिकेंस ऑफ पिटी एंड फियर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन इन द लाइट ऑफ एरिस्टोटल पोएटिक्स। हाँ जी जी सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन बताते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है बस। एनीवन क्लास, ये देखें बेटा एक और आया हुआ, ट्रेजिक प्लेजर इज दैट ऑफ पिटी एंड फियर। ठीक है, ट्रेजिक प्लेजर क्या है, इज दैट ऑफ पिटी एंड फियर एंड द पोएट हैज टू प्रोड्यूस इट बाय अ वर्क ऑफ इमिटेशन। और पोएट को एक वर्क ऑफ इमिटेशन के थ्रू इसको प्रोड्यूस करना होता है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन, फिर थियोरी ऑफ इमिटेशन आई। ठीक है तो अब बताएं जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थियोरी ऑफ इमिटेशन इन अराउजिंग पिटी एंड फियर। ठीक है अब ये है, इसका जो बनेगा ना ये होगा थियरी ऑफ, बल्कि सिग्निफिकेंस इसको हम करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन इन अराउजिंग पिटी एंड फियर। ठीक है ये है जनाब, इसका जो मेन कीवर्ड है ना वो ये है कि आपने सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन बतानी है कि पिटी एंड फियर अराउज कैसे होता है इन इमिटेशन। ठीक है एक तो बेटा आपका वो जो सिग्निफिकेंस ऑफ पिटी एंड फियर वाला जो है वो तो मैंने आपको करा दिया भाई, अब सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन इन अराउजिंग पिटी एंड फियर बेटा ये कौन बताएगा। हाँ जी एनीवन एल्स क्लास, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन है, क्वेश्चन क्या है अब, कि पिटी एंड फियर इमिटेशन जो है वो क्या रोल प्ले करती है इन रेजिंग पिटी एंड फियर। ठीक है तो इमिटेशन सिग्निफिकेंस ऑफ इमिटेशन अब बना दिए, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है तो इमिटेशन कैसे अचीव होती है, अब हम ज्यादा इमिटेशन पे आएंगे कि ह्यूमन सफरिंग को किस तरीके से दिखाया जाता है, उनके डिस्ट्रक्शन ऑफ पेन को कैसे इमिटेट किया जाता है, उनके प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशन बट बिकॉज ऑफ वन एंड अदर एज सो दैट ट्रेजिक प्लॉट इन्वॉल्व रिवर्सल रिकॉग्निशन रिवेलेशन ऑफ ट्रुथ। अब ये सारी चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ इमिटेशन जो है वो शो की जाती हैं, इस तरीके से उसको कैरिकेचर किया जाता है, इस तरीके से उसको कॉपी किया जाता है कि वो हमारे सामने उभर के आ जाती है। ठीक है तो दैट इज बेसिकली द थियरी ऑफ इमिटेशन। और कोई पॉइंट बेटा थियरी ऑफ इमिटेशन है जो आपके जहन में आ रहा हो।